Good morning, students. Today we'll start with the male reproductive organs, which will include external as well as internal genitalia, and the external genitalia will be dealt afterwards. We will begin with the internal genitalia today. That is epididymis, the ductus deferens, the seminal vesicles, ejaculatory ducts, prostate, and male urethra. All these are the male internal genitalia. And out of these, we will deal with ductus deferens and seminal vesicle in today's video lecture. So let's begin talking about introduction of the ductus deferens. What you can see here is this a tubular structure. You can see this tubular structure that I'm tracing with the cursor. Yes, this one. So this tubular structure is the ductus deferens, and to define it for 2 marks question, you have to write that the ductus deferens is a thick walled muscular tube which transmits spermatozoan from the testis or from the epididymis to the ejaculatory duct. So बाइलिंगुअल हो जाता हूँ ताकि इजी रहे आप लोगों के लिए. डक्टस डिफरेंस को डिफाइन करना है तो क्या लिखेंगे कि इट इज़ अ थिक वॉल्ड मस्क्यूलर ट्यूब विच ट्रांसमिट्स द स्पर्मेटोजोआन और स्पर्म्स फ्रॉम द एपिडिडिमिस टू द इजैक्यूलेटरी डक्ट. और ये जो है ये कॉर्ड लाइक, जैसा मैंने बोला कि कॉर्ड लाइक थिक वॉल्ड मस्क्यूलर ट्यूब है, तो कॉर्ड जैसा है. आपको जब हम स्पर्मेटिक कॉर्ड डील करेंगे, स्पर्मेटिक कॉर्ड में कंटेंट जो है, जो मेजर कंटेंट है वो ये डक्टस डिफरेंस होता है. एंड इस डक्टस डिफरेंस के कुछ और नाम हैं जो कुछ अलग अलग टेक्स्ट बुक में मेंशन रहते हैं, जैसे कि वास डिफरेंस या डिफरेंट डक्ट. तो अगर क्वेश्चन आता है वास डिफरेंस के लिए तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है. वास डिफरेंस, डिफरेंट डक्ट और डक्टस डिफरेंस इज वन एंड द सेम थिंग. And now talking about the dimensions and location. अगर location, पहले dimension की बात कर लेते हैं, तो dimension में ductus deferens का जो length है, this green colored one is the ductus deferens. And इसको देख के figure को समझ रहे होंगे कि काफ़ी long है, length है. इसका length approximately 45 centimeters होता है. और 45 centimeters का एक long bone भी अपन पढ़े हैं body में, कौन सा है, that is femur. You all know femur, the thigh bone is also 45 centimeter in length, and this ductus deferens also measures 45 centimeter approximately in length. ये पूरा जो green colored tubular structure दिख रहा है, this is the ductus deferens, और इसका पूरा length approximately 45 centimeters है. Talking about its location, so location जो है वो course के हिसाब से define कर सकते हैं. Course next slide में और detail में correlation के साथ define करेंगे, but as you can see कि अगर लोकेशन का बात करें तो लोकेशन वेरी कर रहा है. जैसे कि टेस्टिस के पास पोस्टीरियर, दिस इज़ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस एंड दिस इज़ द टेल ऑफ एपिडिडिमिस. सो एपिडिडिमिस का ये जो टेल है, इसके साथ ही ये टॉर्चरस वास डिफरेंस जो है वो शुरू होता है. यहाँ से ही वास डिफरेंस बिगिन होता है, जो कि इनिशियली थोड़ा सा टॉर्चरस रहता है. सो मतलब एट द इनिशिएशन या एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वास डिफरेंस, इट लाइज इन विद इन द स्क्रोटम एंड इन द अलॉन्ग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस. मतलब स्क्रोटम के अंदर पोस्टीरियर, टेस्टिस के पोस्टीरियर बॉर्डर के अलॉन्ग ये रन कर रहा है एंड ये ऊपर मूव कर रहा है. कोर्स इसका, जब कोर्स डिफाइन करेंगे देखेंगे कि ये वर्टिकली अपवर्ड्स असेंड कर रहा है, देख सकते हो आप यहाँ पे. और असेंड करते हुए ये इनग्वाइनल कनाल को ट्रांसवर्सली क्रॉस करता है. सो इट विल पास थ्रू इनग्वाइनल कनाल अलॉन्ग विद द स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द इनग्वाइनल कनाल देन इट विल मूव बैकवर्ड्स एंड स्लाइटली डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द ग्रेटर पेल्विस. तो ये ग्रेटर पेल्विस या फॉल्स पेल्विस में ये रीजन, ये पूरा ग्रेटर पेल्विस या फॉल्स पेल्विस में है. एंड लास्टली एंड 90 डिग्री का एंगल बन फॉर्म करके जैसे यूरेटर को बाईपास क्रॉस करता है स्पर्मेटिक कॉर्ड, 90 डिग्री एंगल पे ये डाउनवर्ड्स और फॉरवर्ड्स रन करता है विच विल रन इन द लेसर पेल्विस. सो चार डिफरेंट लोकेशंस जो हैं वो अलॉन्ग द कोर्स पता चले. एक तो स्क्रोटम में अलॉन्ग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस, देन
after descending upwards, sorry, after ascending upwards, a tubule passes through the inguinal canal. So within the inguinal canal along with the spermatic cord और डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में जब एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ेंगे तो स्पर्मेटिक कॉर्ड थोड़ा बाद में डिटेल में पढ़ेंगे. स्पर्मेटिक कॉर्ड इज नथिंग बट जो डक्टस डिफरेंस है उसके साथ जो वेसल्स हैं और नर्व्स हैं वो साथ में मिलकर स्पर्मेटिक कॉर्ड फॉर्म करती हैं. सो स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ ये इंग्वाइनल कनाल में कंटेंट में आ जाएगा और साथ ही ये लोकेशन डिफाइन कर रहे हैं तो इंग्वाइनल कनाल ही मेंशन करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन जो है वो ग्रेटर पेल्विस होगा. ये दिस लॉन्ग पोर्शन दिस होल लेंथ इज लाइज इन द ग्रेटर पेल्विस एंड देन द लास्ट टर्मिनल पार्ट दिस वन दिस स्मॉल लेंथ विल लाई इन द लेसर पेल्विस. टॉकिंग अबाउट कोर्स एंड रिलेशन. अब रिलेश अगर कोर्स का पहले बात करें तो जैसा डिफाइन किया वैसे ही कोर्स है कि देखो डक्टस डिफरेंस दिस इज स्क्रोटम दिस इज टेस्टिस. सो डक्टस डिफरेंस बिगन्स एट द कंटिन्यूएशन ऑफ द टेल. दिस इज द टेल ऑफ एपिडिडिमस एंड दिस टेल ऑफ एपिडिडिमस इज इन कंटिन्यूएशन विद द डक्टस डिफरेंस. सो डक्टस डिफरेंस बिगन्स एज अ कंटिन्यूएशन टू द टेल ऑफ द एपिडिडिमस एंड देखो आप स्लाइटली अलॉन्ग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस ये टॉर्चरस है. दिस इज टॉर्चरस. सो एट द बिगिनिंग इट इज वेरी टॉर्चरस बट ग्रेजुअली इट स्ट्रेटन्स एज इट असेंड्स अपवर्ड. जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे ये स्ट्रेट होता चला जाएगा. एंड देन अगर यहाँ पर रिलेशन का बात करें सो लेटरल टू द वास डिफरेंस और डक्टस डिफरेंस लाइज द एपिडिडिमस lateral to it or you can say that medial to epididymis is the vas deferens or ductus deferens. Now in the spermatic cord when it runs in within the spermatic cord then jo spermatic cord mein jo nerves or vessels hain wo iske relation mein rahenge and within spermatic cord it lies vertically and most posteriorly. Aage vessels or nerves rehte hain aur most posteriorly in the spermatic cord lies the ductus deferens and it runs upwards passes through the superficial inguinal ring. This is superficial inguinal ring and it passes through the superficial inguinal ring and transverses the inguinal canal and then in the vertical it is you can see as in the figure it is most vertical. इट इज़ मोस्टली वर्टिकल. इंग्वाइनल कनाल भी अपन देखा तो थोड़ा सा वर्टिकल है इंग्वाइनल कनाल और वैसे ही क्योंकि कनाल के थ्रू बाईपास हो रहा है तो ये भी वर्टिकल है कोर्स में एंड कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ फील हो सकता है इंग्वाइनल कनाल में. इफ यू वॉन्ट टू फील और इफ यू वॉन्ट टू फील द डक्टस डिफरेंस इन द स्पर्मेटिक कॉर्ड यू कैन ईजली फील इट एज अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर. नाउ टॉकिंग अबाउट द कोर्स इन द ग्रेटर पेल्विस एंड द रिलेशन. So as you can see this is what this is inferior epigastric artery and it crosses the inferior epigastric artery. It hooks around the lateral side of the inferior epigastric artery and then it passes backwards and medially. Yes, you can see as it passes backwards and medially across the external iliac vessels. External iliac crests ko cross karte hue ye medially और backwards run कर रहा है और ये part ही lesser pelvis में इसका lie कर रहा है ductus deferens का. And then this part lies in the greater pelvis and then it enters the lesser pelvis. ये यहाँ ये this is this part this lies in the greater pelvis which crosses the external iliac vessels and after crossing the ureter as soon as it crosses the ureter forms an angle of 90 degree and start running downwards and forwards. As you can see it starts running downwards and forwards. So this portion is the portion which lies in the lesser pelvis. Lesser pelvis mein yahi portion lie kar raha hai aur ye bhi dekho torturous dikh raha hai aapko. So this portion is also torturous and this portion is called or known as ampulla of the ductus deferens. It is dilated, it is torturous and it is known as ampulla which continues with the duct of the seminal vesicle to form the ejaculatory duct. And jo ye combi jo ye joining hoga duct of the seminal vesicle and ampulla of the ductus deferens ka ye hoga base of the prostate pe. So at the base of the prostate the ductus deferens joins the ampulla of the ductus deferens joins with the duct of the seminal vesicle to form the ejaculatory duct.
Now talking about arterial supply. So arterial supply, this yellow one you can trace in the figure. Yes, this one is the ductus deferens. This is the ductus deferens, and this is the major arterial supply of the ductus deferens. Yes, this one, the artery to ductus. So artery to the ductus deferens, it usually arises with from the superior vesicle artery. Usually it arises from the superior vesicle artery, but sometimes it can also arise from inferior vesicle artery, and it accompanies the ductus deferens along its course. You can see, yes, it accompanies the ductus deferens along its course within the spermatic cord. With jo spermatic cord ke along course hai, jitna portion or ductus deferens ka spermatic cord mein hai, to ye bhi saath mein ye vessel, this artery to ductus runs along the course of the ductus deferens within the spermatic cord, and it accompanies the ductus till testis. Yes, you can see it is accompanying the ductus till testis, where lastly it terminates by anastomosing with the testicular artery. So testicular artery ke sath anastomosis form karte hue ye artery jo hai wo terminate ho jati hai. द वेनस ड्रेनेज, वेनस ड्रेनेज हमने सॉरी यूरिनरी ब्लैडर में ऑलरेडी पढ़ा था, वेसिकल वेनस प्लेक्सिस. सो द वेसिकल वेनस प्लेक्सिस, इसी प्लेक्सिस के थ्रू ही वेनस ड्रेनेज होगा डक्टस का. वेनस वेन्स फ्रॉम द डक्टस विल जॉइन द वेसिकल वेनस प्लेक्सिस व्हेन विल फाइनली ड्रेन इनटू इंटरनल इलियाक वेन्स. नाउ टॉकिंग अबाउट सेमिनल वेसिकल, व्हाट इज सेमिनल वेसिकल्स, दिस are the two lobulated saccules or sacs. आपको दिख रहा है ये फिगर में? येस, दिस इज सेक्शनड. सो दिस इज द सेमिनल वेसिकल. तो ये सेमिनल वेसिकल जो है, अगर इसको डिफाइन करना हो टू मार्क्स में, देन यू हैव टू राइट देन दैट सेमिनल वेसिकल आर द टू लॉब्यूलेटेड सैक्स विच इज सिचुएटेड इन बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम. वेयर? इन बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम. येस, यू कैन ट्रेस सेमिनल वेसिकल इन दिस फिगर. So it resides between the urinary bladder and the rectum, and it measures around 5 centimeters in length, 5 centimeters long hair, and as you can see in the figure, it is directed upwards and laterally. Yes, you can trace in this figure the lateral position of the seminal vesicle, and you can trace in this figure that it is directed upwards. So the seminal vesicle is directed upwards. It is around 5 centimeters approximately in length, and it is found laterally. The course is upwards as well as lateral, and the lower end of this seminal vesicle joins with the ampulla of the ductus deferens to form the ejaculatory duct. So this seminal vesicle, what is the function of the seminal vesicle? It is not acting as a reservoir for the spermatozoa. जब हम आपको epididymis के बारे में पढ़ाएंगे तब आपको ये पता चलेगा कि basically reservoir of the spermatozoa is epididymis. But seminal vesicle का फिर क्या काम है? Seminal vesicle जो है, these are the secretory saccules, and their secretion forms a large part of the seminal fluid. तो seminal fluid है जो semen है, सीमन में जो सेमिनल फ्लूइड, जो फ्लूइड पार्ट है, दैट इज लार्जली फॉर्म्ड और सिक्रीटेड बाय दिस सेमिनल वेसिकल्स. एंड दिस सिक्रीशन इज जनरली स्लाइटली अल्कलाइन एंड कंटेन्स फ्रक्टोज. दिस फ्रक्टोज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नरिशमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआन, एंड इट ऑल्सो हैज अ कॉगुलेटिंग एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज वेसिक्यूलेज. सो दिस इज द ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल. नाउ talking about the clinical anatomy of ductus deferens, the most important and the one clinical anatomy of ductus deferens is vasectomy. So what is vasectomy? Vasectomy is nothing but the removal of a part of vas deferens or ductus deferens, and it is one of the most commonest surgical procedure which is being performed for the purpose of family planning. यानी family planning के लिए perform होने वाला ये सबसे commonest surgical intervention है, surgical procedure है, जिसमें ये देखो, this को along the course of the vas deferens ये एक section किया और एक portion हटा दिया और दोनों end को ligate कर दिया, so that जो spermatozoan है वो ejaculation में
आ ना सके, और ये जो है ये स्टेरिलिटी के लिए या फैमिली प्लानिंग के लिए यूज़ में आने वाला सबसे कॉमन सर्जिकल इंटरवेंशन है। बहुत ही माइनर सा ऑपरेशन होता है, इट इज़ वेरी माइनर ऑपरेशन, वो जो कि जनरली लोकल एनेस्थीसिया के अंडर ही हो जाता है। छोटा सा एक इंसिजन दिया जाता है अपर पार्ट ऑफ द स्क्रोटम में, दिख रहा है स्क्रोटम में ही छोटा सा अपर पार्ट पे एक इंसिजन दे के, जस्ट बिलो द पिनिस अगर बात करें, वहाँ पे एक छोटा सा इंसिजन दे के डक्टस डेफरेंस को ऑपरेट करते हैं और छोटा सा सेगमेंट काट के हटा देते हैं। द स्मॉल सेगमेंट विल बी एक्साइज ऑफ एंड द कट एंड्स इज लाइगेटेड। सो आफ्टर वेसेक्टोमी द टेस्टिस जनरली कंटिन्यू टू प्रोड्यूस द हॉर्मोन सो दैट द नॉर्मल मेन कैरेक्टरिस्टिक कैन बी मेंटेन्ड, बट समटाइम्स ओकेजनली समटाइम्स द हॉर्मोन्स पास थ्रू द वेन्स एंड द स्पर्म्स दैट आर प्रेजेंट इन द वास्ट डिफरेंस जनरली पासिस इन फ्यू इजैक्युलेशंस इवन आफ्टर वेसेक्टमी। सो इम्प्रिंटिंग प्रोसेस में कभी कभार ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत जो है वो स्पर्मेटोजोआन वो पास हो सकता है, जो कि जितना वास डिफरेंस में होगा वो इजैक्युलेशन में पास हो सकता है इवन आफ्टर वेसेक्टमी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डक्टस डिफरेंस एंड सेमाइनल वेसिकल, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द प्रोस्टेट। टिल देन स्टे होम, स्टे हेल्दी, टेक केयर, थैंक यू सो मच।